आपको बताने जा रहा हूँ इंटरप्ट साइकिल ऑफ 8086/8088 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम विस्तृत रूप से देखें तो दो तरह के इंटरप्ट हो सकते हैं। पहला होता है वो होता है एक्सटर्नल इंटरप्ट और दूसरा होता है इंटरनल इंटरप्ट। एक्सटर्नल इंटरप्ट में यदि हम देखें तो एक एक्सटर्नल डिवाइस होता है या फिर एक सिग्नल होता है जो इंटरप्ट करता है प्रोसेसर को आउटसाइड से, या फिर दूसरे शब्दों में हम यह कहें तो इंटरप्ट जो होता है वो जनरेटेड होता है प्रोसेसर के बाहर। उदाहरण के लिए एक कीबोर्ड इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट दूसरे तौर पे जनरली इंटरनली होता है प्रोसेसर सर्किट के द्वारा या फिर किसी भी इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के द्वारा। इसका जो एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट, ओवरफ्लो इंटरप्ट, या फिर ऐसा इंटरप्ट जो कि INT इंस्ट्रक्शंस की वजह से होता है। मान लीजिए कोई एक ऐसा एक्सटर्नल डिवाइस है जो इंटरप्ट करता है CPU को इंटरप्ट पिन पे, यह हो सकता है NMI या INTR हो सका है 8086 का, जब कभी CPU एग्जीक्यूट करता है एक इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम को। CPU सबसे पहले कंप्लीट करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द करेंट इंस्ट्रक्शन, उसके बाद IP इंक्रीमेंटेड होता है ताकि वो पॉइंट कर सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को। CPU उसके बाद एक्नॉलेज करता है और रिक्वेस्ट करता है डिवाइसेस को ऑन इट्स INTA पिन तुरंत। यदि यह मान लीजिए NMI है तो ट्रैप या फिर डिवाइड बाई ज़ीरो इंटरप्ट ऑक्योर होता है। यदि मान लीजिए ये INT रिक्वेस्ट है तब CPU चेक करता है IF फ्लैग को, यदि IF सेट है तो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो एक्नॉलेज होता है यूजिंग द INTA बार पिन। यदि मान लीजिए इफ सेट नहीं है तब इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्या होता है, इग्नोर्ड होता है। यहाँ पर आपको यह बात नोट करनी चाहिए कि रिस्पॉन्स टू द NMI ट्रैप और डिवाइड बाई ज़ीरो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं IF फ्लैग से। जब कभी भी एक इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है तो जो CPU होता है, जब कभी भी एक इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है तो CPU कंप्यूट करता है वेक्टर एड्रेस को फ्रॉम द टाइप ऑफ इंटरप्ट जो पास हो सकता है टू द इंटरप्ट स्ट्रक्चर ऑफ द CPU इंटरनली। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के केस में NMI ट्रैप और डिवाइड बाय ज़ीरो इंटरप्ट या फिर एक्सटर्नली, यानी कि एक इंटरप्ट कंट्रोलर से जो होता है वो होता है एक्सटर्नल इनपुट्स के केस में होता है। कंटेंट्स ऑफ IP और CS जो होता है वो नेक्स्ट पुश्ड होता है स्टैक पे। कंटेंट ऑफ IP और CS अब पॉइंट करते हैं एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन प्रोग्राम जहां से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू होता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। PSW भी पुश होता है स्टैक पे, इंटरप्ट फ्लैग अब क्लियर हो जाता है। TF भी क्लियर हो जाता है, यह होता है आफ्टर एवरी रिस्पॉन्स टू द सिंगल स्टेप इंटरप्ट। कंट्रोल उसके बाद ट्रांसफर होता है टू द इंटरप्ट सर्विस रूटीन ताकि सर्व किया जा सके इंटरप्टिंग डिवाइसेस को। न्यू एड्रेस ऑफ इंटरप्ट सर्विस रूटीन फाउंड आउट होता है इंटरप्ट वेक्टर टेबल से। एग्जीक्यूशन ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टार्ट हो जाता है। और भी मान लीजिए फर्दर इंटरप्ट्स रिस्पॉन्डेड होते हैं इस समय में तो फर्स्ट इंटरप्ट जो है वो सर्व्ड होता है, उसके बाद IF अगेन सेट होता है, अगेन सेट करना पड़ता है 1 पे इंटरप्ट सर्विस रूटीन ऑफ द फर्स्ट इंटरप्ट के द्वारा। यदि मान लीजिए इंटरप्ट फ्लैग सेट नहीं है तो सब्सिक्वेंट इंटरप्ट सिग्नल एक्नॉलेज नहीं होते हैं प्रोसेसर के द्वारा, तब तक नहीं होते हैं जब तक कि करेंट 1 कंप्लीट ना हो जाए। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर का यूज़ किया जाता है मैनेज करने के लिए मल्टीपल इंटरप्ट्स को उनके प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे। इंटरप्ट सर्विस रूटीन के एंड होने के बाद जो लास्ट इंस्ट्रक्शन रहता है वो होता है IRET। जब कभी CPU एग्जीक्यूट करता है IRET को तो कंटेंट्स ऑफ फ्लैग IP और CS सेव्ड होते हैं एट स्टार्ट बाय द कॉल इंस्ट्रक्शन और अब ये रिट्राइव होते हैं टू द रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स। एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करता है ऑनवर्ड्स इस एड्रेस से जो कि रिसीव होता है बाई IP एंड CS। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 8086 बाई 888 फाइंड आउट करता है एड्रेस ऑफ एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। हर एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरप्ट असाइंड होता है एक टाइप के साथ जो या तो इम्प्लिसिट हो सकता है या फिर स्पेसिफाइड हो सकता है इंस्ट्रक्शन INTN में।
एक्सटर्नल इंटरप्ट्स के केस में टाइप जो होता है वो पास्ड होता है टू द प्रोसेसर बाय एन एक्सटर्नल हार्डवेयर जैसे कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर। जीरो सेगमेंट ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस यानी कि CS इक्वल 4x0, इसमें इंटेल ने रिजर्व किया था 1024 लोकेशंस ताकि स्टोर किया जा सके इंटरप्ट वेक्टर टेबल को। 8086 सपोर्ट करता है टोटल ऑफ 256 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स यानी कि 0000 से लेके FFH तक। हर इंटरप्ट में रिक्वायर होता है 4 बाइट्स यानी कि 2 बाइट्स आईपी के लिए और CS ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन के लिए, इसलिए टोटल ऑफ 1024 बाइट्स रिक्वायर्ड होता है 256 इंटरप्ट टाइप्स के लिए। इसलिए इंटरप्ट वेक्टर टेबल स्टार्ट होता है लोकेशन 4x0:4x0 से और एंड होता है 4x0:03FFH पे। इंटरप्ट वेक्टर टेबल कंटेन्स करता है आईपी और CS को ऑफ द ऑल इंटरप्ट टाइप्स जो कि स्टोर होता है सिक्वेंशली फ्रॉम एड्रेस 4x0:4x0:2:4x0:03FFH। इंटरप्ट टाइप एन मल्टीप्लाइड होता है बाई 4 और हेक्साडेसिमल मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन करता है जो देता है ऑफसेट एड्रेस 0th कोड सेगमेंट पे जहां पर आईपी और CS एड्रेसेस ऑफ द इंटरप्ट सर्विस रूटीन स्टोर होते हैं। एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है फ्रॉम द न्यू CS आईपी। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।